हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का जो बहाली का अपडेट निकाला गया है, झारखंड के जिला धनबाद के तरफ से निकाला गया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टूबरक्लोसिस कंट्रोल कमेटी धनबाद के तरफ से पोस्ट का नाम डिस्ट्रिक्ट पीपीएम कोऑर्डिनेटर एसटीएस टीबी एचबी एसटीएलएस एंड अदर 16 पोस्ट यहाँ पे टोटल निकाली गई है। तो आज हम आपको इसी जॉब के बारे में बताने वाले, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं, इसका जो एडवर्टाइजमेंट जो झारखंड सरकार की तरफ से निकाला गया है, खुल चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है जिला यक्षमा नियंत्रण समिति धनबाद। तो यहाँ से इसका एडवर्टाइजमेंट निकल कर आया है और इसमें बताया जा रहा है, पुनरीक्षित राष्ट्रीय यक्षमा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पदों पर एक वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रपत्र। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए यहाँ पे अनुबंध निबंधित डाक द्वारा आवेदन पत्र मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको निबंधित डाक द्वारा आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको इसे भेजना पड़ेगा। अगर आप साधारण डाक के द्वारा भेजते हैं तो ये मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट से आपको इसे सेंड करना होगा। इसका आवेदन का जो डेट बताया गया है 14/9/2018 5 बजे शाम तक आप इसका आवेदन जिला यक्षमा पदाधिकारी सह सचिव जिला यक्षमा नियंत्रण समिति सदर अस्पताल परिसर धनबाद में आप सेंड पर पते पर आपको भेजना है। तो ये अपडेट जो है जिला यक्षमा नियंत्रण समिति धनबाद की तरफ से निकाला गया है और इसका जो फॉर्म सेंड करने का जो एड्रेस बताया गया है नियंत्रण समिति सदर अस्पताल परिसर धनबाद, तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्म को सेंड कर देना है। चलिए इसमें आपको हम पोस्ट बता देते हैं कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। आप देखिए, पहला पोस्ट यहाँ पे निकल कर आया डिस्ट्रिक्ट पीपीएम पब्लिक प्राइवेट मिक्स कोऑर्डिनेटर। तो ये यहाँ पे इसका पोस्ट निकला है और इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पे बनाई गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएट, उसके साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड, उसके साथ कम्युनिकेशन एसी एसएम पब्लिक प्राइवेट पार्टनर हेल्थ प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स परमानेंट टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शोल बी एबल टू ड्राइव टू व्हीलर। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको मांगा गया है टू व्हीलर का, और उसके साथ आपको 1 ईयर का फील्ड एक्सपीरियंस मांगा गया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस टू हैव वर्कर इन आरएनटीसीपी। तो यहाँ पे आरएनटीसीपी का आपको प्रेफरेंस मांगा गया है। उसके अलावा सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री मास्टर होल्डर इन सोशल साइंस मास मीडिया कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट एडवोकेटरी पार्टनर हिप्स रिलेटिव फील्ड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रूरल डेवलपमेंट पार्टनर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और फील्ड वर्क में यहाँ पे नॉलेज मांगा गया है, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रह पाएंगे। तो चलिए अब आपको दूसरा हम पोस्ट बता देते हैं। दूसरा पोस्ट यहाँ पे जो निकल कर आया है एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर। तो यहाँ पे एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का पोस्ट यहाँ पर निकला है और आप देख सकते इसमें जो सीट बनाई गई है, यूआर को 2 सीट मिला है, ईबीसी को 1 मिला है, एससी को 1 मिला है और बीसी को 1 मिला है। तो टोटल यहाँ पे 5 सीट बनाई गई है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगा गया है। उसके अलावा सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर प्रिपरेशन मिनिमम 2 मंथ। तो यहाँ पे आपको सैनिटरी का यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स 2 मंथ का यहाँ पे मांगा गया है। उसके साथ परमानेंट टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो इसके लिए आप अगर एलिजिबल रहेंगे तभी आप यहाँ पे इस बहाली को इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा यहाँ पे जो बताया गया है क्वालिफिकेशन, गवर्नमेंट डिग्री डिप्लोमा सोशल वर्क सक्सेसफुल और बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। तो यहाँ पे इसका भी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तभी आप एबल होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अब 3 नंबर को जो यहाँ पे पोस्ट निकल कर आता है टीबीएचबी ट्यूबरकुलोसिस।
हेल्थ विजिटर, तो ये बहाली का ऑप्शन बताया गया है। और इसमें जो सीट निकल कर आया है एससी को एक है और यूआर को एक बताया गया है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन पास, उसके अलावा इंटर पास वाले लोग भी भर सकेंगे। और अगर आप एएनएम हेल्थ वर्कर एमपीडब्ल्यू एलएचबी के लिए आप अगर कोर्स किए हैं तो फॉर्म को भर सकेंगे। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो इसमें बताया गया है ट्रेनिंग कोर्स फॉर एमपीडब्ल्यू और रिकनाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स, तो ये आपका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में जाएगा। अब चार नंबर में आप देख सकते हैं, चार नंबर का जो पोस्ट बताया गया है एचटीएलएस सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर, तो ये बताया गया है इसमें एक यूआर को एक ईबीसी को सीट दिया गया है और ग्रेजुएशन पास डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी लोग यहाँ पे फॉर्म को भर सकेंगे और मिनिमम इसमें वन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पाँच नंबर का जो यहाँ पे बताया जा रहा है पोस्ट का लैब टेक्नीशियन, इसमें जो बताया जा रहा है इसमें सीट यूआर को दो है और एसटी के लिए एक बनाया गया है। इसमें इंटर पास वाले लोग भर सकेंगे, उसके साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है आरएनटीसीपी में और यहाँ पे कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम ग्रेजुएशन 12% तो यहाँ पे ग्रेजुएशन भी मांगा गया है और एक साल का क्वालिफिकेशन भी मांगा गया है, तभी आप फॉर्म को भर सकेंगे। सिक्स नंबर में जो आपका पोस्ट बताया गया SRMODRTB सेंटर, तो ये आपका पोस्ट निकल कर आता है और इसमें सिर्फ जनरल को एक सीट दिया गया है। उसके अलावा इसमें क्वालिफिकेशन जो होगा MBBS आपको रिलेटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है, कोर्स यहाँ पे MBBS का मांगा गया है और एक्सपीरियंस जो मांगा गया है यहाँ पे MD का मांगा गया है, DTDC MD यहाँ पे मांगा गया है और मास्टर इन पब्लिक हेल्थ बेसिस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप इस एक्सपीरियंस के हिसाब से फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। सात नंबर का जो यहाँ पे एप्लीकेशन निकल कर आता है स्टैटिकल असिस्टेंट DRTB सेंटर, तो इसका ये एप्लीकेशन निकल कर आता है जिसमें UR को एक सीट मिला है और इसका जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन डिसिप्लिन विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कोई भी विषय से डिप्लोमा यहाँ पे और आपको ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, उसके साथ आपको एक साल का वर्क एक्सपीरियंस फील्ड वर्क में मांगा गया है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और आखिरकार लास्ट में जो यहाँ पे एप्लीकेशन निकल कर आता है पोस्ट काउंसल और DRTB सेंटर का पोस्ट यहाँ पे निकला है जिसमें एक UR को दिया गया है, एक ही सीट बनाया गया है, बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है और उसके साथ आपको सोशल वर्क सोशोलॉजी साइकोलॉजी यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको मांगा गया है बैचलर डिग्री, तभी आप फॉर्म को भर सकेंगे। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो इसमें होगा मास्टर डिग्री PG डिप्लोमा इन सोशल वर्क सोशोलॉजी साइकोलॉजी एक्सपीरियंस NRTCP वर्क एज काउंसलर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे इसका एक्सपीरियंस मांगा गया है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। आयु सीमा जो इसका बताया गया 18 साल न्यूनतम बताया गया है, अधिकतम आप कितना भी है अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो आवेदन का आखिरी तारीख जो अंतिम तिथि बताया गया 14/9/2018 शाम 5 बजे तक आप इसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको दो लिफाफा लेना होगा, आपको अंदर में एक लिफाफा डालकर अपना सेल्फ एड्रेस डालना होगा और ऊपर में आपको अपना आवेदित पद का नाम जरूर लिखना है, तभी आपका वैलिड होगा। और इसमें देखिए फीस जो बताया गया आपको 400 रुपया फीस बताया गया है, आपको जनरल OBC के लिए HTSC के लिए 200 रुपया बताया गया है। आवेदन शुल्क जो है आपको बैंक ड्राफ्ट के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करना होगा, आपको बैंक से इसका ड्राफ्ट बनाना होगा और आपको पोस्ट करना पड़ेगा। पोस्ट करने के लिए आपको मैं बता दिया हूँ, इसको आपको अपने से इसका फॉर्मेट बना लेना है, फॉर्म का फॉर्मेट और अपना सारा डॉक्यूमेंट लगा कर आपको बैंक ड्राफ्ट जो आप बनवाएंगे 400 या 200 का आपको उसे लगाकर आपको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट आपको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सेंड करना होगा। और आपको बता दें आप अंदर में जो लिफाफा डालेंगे उसमें आपको 25 रुपये का डाक टिकट चिपका होना ज़रूरी है, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका जो एड्रेस बताया गया हम आपको एड्रेस बता देते हैं, देखिए यहाँ पे इसका एड्रेस लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी RNTCP धनबाद, तो यहाँ पे आपको फॉर्म को सेंड करना होगा और आपका जो बैंक का ड्राफ्ट बनेगा इसी नाम से बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, यहाँ पे मैं पूरा PDF फाइल दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूंगा। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जॉब के अपडेट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।